आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल में चार्ट्स की कि चार्ट्स क्या होता है, कैसे होता है। एक चीज तो हमने कल की क्लास में डिस्कस कर ली थी। अब चार्ट्स के डिफरेंट चार्ट्स है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, उसके कुछ चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट मेनू बार में आते हैं। इसमें हम आपके पास सबसे पहला ऑप्शन होता है रिकमेंडेड चार्ट। जैसे आपका रिकमेंडेड पिवट टेबल था, उसी तरीके से आपका रिकमेंडेड चार्ट है। डेटा वो देखता है और देखने के बाद जो है आपको ये बताता है कि इस पे कितने तरह के चार्ट, कैसे चार्ट अप्लाई किए जा सकते। ठीक है सर? ठीक है। अब इसमें जो पसंद आता है उसको अप्लाई करके ओके कर लें, नहीं तो फिर अपने हिसाब से चार्ट लगा सकते। जैसे कि मैंने यहाँ कॉलम चार्ट को लगाया, अब चार्ट को कहीं भी आप उसको मूव कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और भी है, ये तो आपका चार्ट एम्बेड लग रहा है, ऐसे आपको यहाँ पे चार्ट शीट भी लगा सकते। चार्ट शीट मतलब इस पे आप F12 कर दीजिए, इसमें सर एक्सेल भी बदल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जैन फेब जो है वो एक्स एक्सिस पे आ जाए और नीचे जो है वो नंबर आ जाए। एक्सिस बदल जाते हैं, वो रो एंड कॉलम दिख रहा है ना? नहीं, आप किस एक्सिस की बात कर रहे हैं? एक मिनट, मैं कुछ और समझा। आप चाह रहे हैं कि जो ए जैन फैल है यहाँ पे आ जाए इस पे? हाँ जी। नहीं, ये तो आपका डेटा है ना, डेटा पॉइंट है ना। हाँ जी, ये आपका डेटा पॉइंट है। ठीक है, चेंज नहीं हो रहा। तो ये वैल्यू हमेशा जो है वो एक्स एक्सिस पे रखेगा। वैल्यू हमेशा वर्टिकल रखेगा और दूसरों को जो भी उसको 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 हॉरिजॉन्टल रखेगा। ठीक है। ठीक है सर। अब इसको अपने हिसाब से कहीं मूव कर सकते हैं और इसको अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हैं टेबल को। अब यहाँ पे जैसे चार्ट आप सेलेक्ट करते हैं तो चार्ट के कुछ फिल्टर्स हैं, क्या दिख रहा है आपको? हाँ जी। क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए मुझे अब मार्च का नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से उसको फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ से डेटा डिलीट करने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक ठीक, डेटा डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आप ये इसको हटा सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद इसमें ए हो गया, ए तो हो गया आपका इसका। उसके बाद इसमें आता है इसकी फॉर्मेटिंग।
कि आप ऊपर से जो फॉर्मेट चेंज करते हैं ना, आप यहाँ चेंज कर सकते हैं स्टाइल को भी एंड कलर को भी, किस कलर में चाहिए आप, दोनों चीज ठीक है। और प्लस का निशान जो आता है कि कुछ एलिमेंट ऐड कर सकते हैं आप चार्ट एलिमेंट, जैसे कि अभी आपके पास एक्सिस है, एक्सिस का टाइटल नहीं, तो क्लिक करते टाइटल आ जाएगा, दिखा आपको सर टाइटल एक्सिस। हाँ ठीक है। ऐसे आपका डेटा लेबल्स है, डेटा टेबल नीचे आ रहा है, एरर बार है, उसके बाद यहाँ पे लेजेंड है, ऐसे यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन में ट्रेंड का लाइन दिखा देता है कि सेल्स का क्या ट्रेंड चल रहा है, लेजेंड पे जो सेल्स किसका सेल्स है उसका नीचे आ जाता है, साइड में दिख रहा होगा आपको, ये चीजें जो है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। क्या होगा कि आपका जो वैल्यू है वैल्यू उसके ऊपर दिख जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है। तो इस तरह का इस्तेमाल हम इसमें करते हैं। अब अगला आता है यहाँ पे स्विच टू रो एंड कॉलम। अब जैसे कि अभी फिलहाल तो मेरे पास जो चार्ट है वो सिंगल है क्या? ठीक है। मेरे पास अगर मान लीजिए मल्टीपल चार्ट इस तरह से मल्टीपल रो पास कर दे तो चला, मैं इसको सिलेक्ट करके हम मान लेते हैं कि चार्ट सर एक मिनट, ये यहाँ पर जब आपने रैंड बिटवीन किया तो मैंने एक बार रैंड बिटवीन किया था तो मैंने उसको ड्रैग किया, वो बिल्कुल बराबर पे ड्रैग नहीं होता, वो या नीचे जाता है या एक्सिस पे जाता है या वाई पे जाता है या कॉलम में जाता है या उस, हाँ या इधर तो जाएगा या जा सकता है। ठीक है। तो जैसे कि ये आपका दिख गया चार्ट में सर। हाँ जी। चार्ट में क्या है, चार्ट में क्या है कि मंथ यहाँ है, जब कॉलम जो है कॉलम नीचे है और हर कॉलम के पार्ट है, जैसे कि प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट थ्री प्रोडक्ट, मतलब ये रिपोर्ट मंथ वाइज है। लेकिन मुझे रिपोर्ट जो चाहिए थी वो चाहिए थी मंथ वाइज नहीं प्रोडक्ट वाइज, ठीक है? ठीक है। तो यहां स्विच टू रो एंड कॉलम दिख रहा हूं, समझ गए? ठीक है। अब इसमें अगला पार्ट आता है कि जैसे मैं चार्ट बनाया बट चार्ट सही नहीं है, मतलब कि कितना नहीं दिख रहा है, बहुत चलो पांच है, अगर 15 होता तो बहुत ज्यादा गचपच हो जाता ना। हाँ जी। तो उस केस में हमने डेटा को सिलेक्ट करके इंसर्ट चार्ट में एक हमारा स्टैक चार्ट होता है वो इस्तेमाल, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ कि हर कॉलम के लिए एक लाइन बना एक लाइन, और उस लाइन के अंदर उसके प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन, कभी कभी क्या होता है कि हमें जस्ट ये देखना होता है कि अब इसका जनवरी महीने में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, फर्स्ट परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, इसी में आपका 100% स्टैक होगा। वो क्या करता है कि हर कॉलम के सेल के अंदर से उसको कंट्रीब्यूशन यानी का परसेंटेज में देता है, कन्वर्ट करके यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का। ठीक ठीक ठीक। क्या मैं इसके कलर के अंदर भी लिख सकता हूँ, जैसे ये ब्लू है P1 तो मैं जैन के से मैं P1 लिख दूँ यहाँ पे, करना चाहते यहाँ पे लिखो ना P1 तो सब में पता चल जाएगा कि P1 ये है P2 रादर देन के नीचे जो है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल कीजिए, ठीक है? डेटा लेबल आ गया। अब इस पे क्लिक करके इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेबल, फॉर्मेट डेटा लेबल में आपको यहाँ पे वैल्यू नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूँ P1 कैटेगरी नेम रखना, जैन कर नहीं सीरीज नेम चाहिए, आ गया P1। ठीक ठीक ठीक। तो सिलेक्ट कीजिए और सेव, राइट क्लिक,
इस डेटा लेवल को सिलेक्ट कीजिए। इसमें अब जरूरी नहीं है कि हम वैल्यू हटा दें, आप वैल्यू भी रख सकते हैं और आपका सीरीज भी रख सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक, ये सब में होता है। ओके ठीक है, तो लाइन और जैसे हमने कॉलम चार्ट लगाया ऐसे आपका लाइन चार्ट भी होता है। ऐसे यहाँ पे देखिए 3D चार्ट है, सब कुछ सेम है 3D में, और ये आपका बार चार्ट है तो सब कुछ सेम है पर बार चार्ट में, बार में है, एंगल है और 3D बार। तो ये सारे कैटेगरी समझ में आ गई आपको कि नहीं? हाँ जी। उसके बाद सेम लाइन चार्ट में होता है, और जैसे कि लाइन हो गया, ये आपका लाइन हो गया, लाइन विथ पॉइंट्स हो, इसमें क्या है पॉइंट नहीं है, इसमें क्या है पॉइंट, ये आपका स्टैक लाइन होता है। जैसे कि मल्टीपल्स कॉलम के लिए हम इसका स्टैक का यूज करते हैं, ठीक है, ये 100% स्टैक होता है, 100% आया था नीचे उसका कंक्लूजन आता है, बाकी है माइक। और यहाँ पे क्या है 3D है, ये लाइन 3D लाइन दिखाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या है एरिया चार्ट, मतलब कि बार चार्ट के लाइन चार्ट के जैसा होता है। जैसे हम यहाँ पे देख लीजिए लाइन चार्ट जो है, चलो लाइन चार्ट जो है ये सिर्फ लाइन लेके जा रहा है। हाँ जी। एरिया चार्ट क्या है कि उस एरिया को पकड़ रहा है, ठीक है, सही है, ठीक है। और जैसे यार आपका हम ये जो ऊपर का जो किलो था सेम यही है, और ये आपका 3D में है, ठीक है। तो कैटेगरी सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा इसका दिखावा अलग हो, ठीक है। तो बार चार्ट, सॉरी पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई बार चार्ट एंड लाइन चार्ट आप समझ में आ गया, राइट? हाँ जी। अब बात करते हैं हमारा इसका पाई चार्ट। देखिए पाई चार्ट ध्यान रखिएगा, पाई चार्ट हमेशा एक ही चीज पे होता है, जैसे दो कॉलम नहीं कर सकते, दो लेजेंड नहीं कर सकते। जैसे प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू मैं करूँ तो रिपोर्ट प्रोडक्ट वन का ही बने, क्योंकि ये जो है एक ही रो पे लेके चलता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन दिखाता है। किसने कंट्रीब्यूशन दिखा दिया? ठीक है, इसमें आपको पाई ऑफ द पाई है। तो पाई ऑफ द पाई क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ना, एक सिंपल से बताते हैं कि मेरे पास एक सेल्स हो गया, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया और ये हमारा सेल्स। तो मान लीजिए कि हमारा DVD सेल है, हमारा CD सेल है, हमारा RAM सेल है, हमारा MP मतलब बोर्ड सेल, राइट? और साइड में हमारे PC सेल होता है और लैपटॉप सेल। तो DVD की क्वांटिटी ज्यादा है, CD की क्वांटिटी ज्यादा है, RAM भी उसी क्वांटिटी में बिकता है और मदरबोर्ड भी उसी क्वांटिटी में बिकता है, बट PC की क्वांटिटी अवश्य बात है कम है, 10 PC है और लैपटॉप हमारा 5, राइट सर? ठीक है, देखिएगा एक लैपटॉप का प्राइस इसके क्या बोलते हैं 1000 DVD के ऊपर बराबर है, 1000 CD के बराबर है, ठीक है, 30 RAM के बराबर है, क्योंकि एक लैपटॉप 50,000 के आसपास जाता है और एक RAM 1000 रुपए का जाता है। तो उस केस में अगर मैं पाई चार्ट लूंगा तो पाई चार्ट में क्या होगा, PC और लैपटॉप का कुछ यार सो ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं सो रहा है? क्योंकि इसके ऊपर का डेटा काफी बड़ा है, इसलिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जो छोटा अमाउंट है उसको नीचे रख देते हैं, और यहाँ पे हमारे सामने होता है पाई ऑफ द पाई, ठीक हो गया। देखिए यहाँ पे PC और लैपटॉप दो को इसमें अलग कर, ठीक है, और इसको अदर में डाल दिया। अब इसका काउंट जो है ये बढ़ा सकते हैं, दिख रहा है ना आपको, राइट क्लिक करके फॉर्मेट प्लॉट एरिया पे जाइए, तो यहाँ पे दिख रहा है ना वैल्यू ऑफ सेकेंड प्लॉट, दिख रहा है ना? हाँ जी। बाय डिफॉल्ट 2 है, तो मान लीजिएगा आपको यहाँ 3 हुआ तो 3 बढ़ा दीजिए, मान लीजिए 1 हुआ तो 1 कर, ठीक है। ये आप गो थ्रू करवाएंगे ना, ये फॉर्मेट करना, ये सारा जब भी आया था, अभी तो नहीं, क्या आया था समझा नहीं, देखिए ना अभी आपने, हाँ ये फॉर्मेट जो है ना, ये फॉर्मेट, हाँ ये देखिए इसमें देखिए, एक तो होता है ये बने बनाए फॉर्मेट आप ले लेते हैं ना, एक आप ठीक है करना है, तो जिसको फॉर्मेट करना है उस पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट इस प्लॉट है, फिर चार्ट के टाइप पार्ट, चार्ट के पार्ट क्या है, कोई भी चार्ट लगता है तो उसके कुछ पार्ट होते हैं,
मैं एक बार दिखाता हूँ एक चार्ट, हर चार्ट का सेम होता है इसलिए कोई अलग अलग चार्ट नहीं होता है। चार्ट एरिया जिसमें पूरा का पूरा चार्ट है, दूसरा होता है प्लॉट एरिया जिसमें ये आपका एक प्लॉट एरिया कहलाता है, ये आपका सीरीज कहलाता है, ये आपका चार्ट टाइटल, ये आपका एक्सिस है दोनों, समझे? ठीक है। हर किसी का अपना फॉर्मेट है, जैसे मान लीजिए चार्ट एरिया की बात करें तो राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट चार्ट एरिया पे जाए तो ये आपका तीन है, एक आपका कलर के लिए होता है, दूसरा इफेक्ट के लिए होता है, तीसरा आपका जो होता है वो साइज एंड प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है सर? ओके। तो अगर हम बात करते हैं फिल पे, तो फिल में आपके नो फिल कोई कलर फिल नहीं करना, सॉलिड फिल कोई सॉलिड कलर फिल करना है, जैसे कि ए, ठीक है? ठीक है। ग्रेडिएंट फिल कि नहीं मुझे कुछ इस तरह का दो कलर का मिक्सअप चाहिए, जैसे येलो एंड यहाँ पे, ठीक हो गया, चार्ट एरिया हो गया, सही। उसके बाद पिक्चर्स एंड टेक्सचर, जैसे कि यहाँ से टेक्सचर्स यूज कर सकते हैं या फिर कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी को कम या ज्यादा करते हैं ताकि आपका प्लॉट पे डेटा जो है वो थोड़ा सा आपका दिक्कत, ठीक है? ठीक है, समझ गया? समझ गया सर। पैटर्न फील है कि आप भी पैटर्न फील कर रहे, और ऑटोमेटिक मतलब कि जैसे सिस्टम डिफाइन किया है ऐसा कलर, ये ठीक तो हो गया। और साथ ही हो जाता है आपका बॉर्डर का, तो लाइनिंग होती है बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर, हाँ जी हाँ जी। और ये सेम हर चीज के लिए सेम होता है, चाहे वो चार्ट एरिया के लिए हो या प्लॉट एरिया का हो या फिर आपका सीरीज का, सीरीज है जो ये जो फिल है इसकी कलर चेंज करना चाहे तो यहाँ से आप इसे रेड है तो रेड कर, या इसमें से कोई कर सकते, सबके लिए सेम होगा। और अच्छा तो वो अच्छा ये सब का, अच्छा इसे एक मिनट पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा, अच्छा पहले चार्ट एरिया पे क्लिक कीजिएगा तो वो हमें, अच्छा मैं राइट साइड पे फॉर्मेट चार्ट एरिया दे देता है, सेम पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट डाटा सीरीज, ये जो अच्छा ये सारा डाटा, अच्छा इसके भी वही तीन पोर्शन है लेकिन इसका दो पोर्शन और उसका ये दो थे, इसका भी तीसरा साथ में ग्राफ वाला आ गया, ठीक है। तो सबका फिर कलर सबका मैंने कि फॉर्मेटिंग चार्ट के किसी भी पार्ट का फॉर्मेटिंग सेम होता है, ठीक है, किसी भी चार्ट का फॉर्मेटिंग सेम होगा, सही है, किसी भी चार्ट के पार्ट, ठीक है, ठीक हो गया। और इसकी इफेक्ट होता है शैडो ग्लो, जैसे हमने आपको इससे बताया था पिक्चर्स में बताया था ना, हाँ जी, ये 3D होना चाहिए, ठीक है सर? ठीक है, इस तरह से। और ये आपका आता है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज हर किसी का चेंज होता है, ओके, ठीक है, इसकी सिलेक्ट कर लिया, इसकी प्रॉपर्टी साइज साइज वगैरह है और प्रॉपर्टीज वगैरह ये हुआ, आपने प्लॉट एरिया को सिलेक्ट किया तो प्लॉट एरिया प्रॉपर्टी होता ही नहीं, अब उसको यूज करोगे तो यूज करते करते इसके बारे में जान जाओगे, ठीक है? ठीक है। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि पाई ऑफ द पार्टी, इसको देखिए, इसका राइट क्लिक करके अगर हम फॉर्मेट प्लॉट एरिया करते हैं तो इसमें देखिए आ गया, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट डेटा सीरीज हो गया, तो इसकी कलर वलर तो बिल्कुल सेम जो था वहाँ, प्रॉपर्टीज में यहाँ जो ज्यादा हट जाता है, जैसे कि यहाँ पे दूसरा नंबर चाहिए, तीसरा नंबर चाहिए, या फिर प्लॉट टेक्स्ट पेंसिल कितना होना चाहिए, कितना टूटना चाहिए, दिख रहा है दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, सेकंड प्लॉट का साइज, ठीक है, क्या हुआ कि जो हमारा पीसी और लैपटॉप का जो है वो बहुत छोटा था, वो गुम हो गया, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हाइवर वैल्यूएबल सेल्स है ना, ठीक है, मुझे चार्ट में दिखाना है, हाँ जी, मुझे अलग इसका चार्ट बनाना पड़ जाएगा, तो अलग चार्ट
आके हमने क्या किया, चार पाई ऑफ द पाई या पाई ऑफ द दोनों एक ही है, ले लिया। इसने क्या किया कि नीचे से दो को अलग कर, अलग कर दिया, ठीक ठीक ठीक, अलग ही उसने पाई बना, ठीक ठीक, और ये उसी की फॉर्मेटिंग, ठीक है, ठीक है, समझ गया, वैल्यूज एंड सेकंड प्लॉट, ठीक है, टू। लेकिन ऐसी चीजों पे नहीं जाते, जनरली लोग जो है यही से चूज कर लेते हैं अपना फॉर्मेट, यही पे बहुत अच्छे से फॉर्मेटिंग है ना, तो यही से चूज कर लेते हैं, ठीक है, ओके, फिर मैं बता दूं कभी जरूरत पड़े तो इसका यूज कर सकते, ठीक ठीक है। तो पाई चार्ट में आपका पाई ऑफ द पाई, पाई ऑफ द बार हो गया, ऐसे आपका 3D इफेक्ट हो गया, हमें 3D पाई चार्ट बनाना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं, या डोनट चार्ट, डोनट चार्ट भी पाई चार्ट की तरह होता है, उतना बनाना चाहते हैं, क्योंकि डोनट चार्ट में खूबी होती है कि आप इसमें एक से ज्यादा कॉलम ऐड कर सकते हैं, जैसे हमें दो पे लगाना है तो आप डोनट चार्ट दो पे ऐड कर सकते हैं, दो दो छल्ले बन जाएंगे, ठीक 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 है, ठीक है। बाकी सब की फॉर्मेटिंग तो हर किसी के लिए मोस्टली सेम होती है, थोड़ी बहुत अलग होती है तो आप खुद देख सकते हैं। आपका ट्री मैप चार्ट है, ट्री मैप चार्ट क्या है, ऑटोमेटिक आपको बता देता है कि किसकी कितनी मैप है, एरिया है, और ये आपके स्टार बोर्ड चार्ट भी होता है, ये आपका डोनर चार्ट के जैसा ही होता है लेकिन उसे थोड़ा सा बड़ा होता है, और डोनर चार्ट स्टार बोर्ड चार्ट है या टी मैप चार्ट है, एक ही से एक ही के लिए लगता है, मतलब एक ही लाइन के लिए लगता है, दो लाइन के लिए नहीं लगता है, समझे, ठीक है। किया तो प्रोडक्ट वन का ही दिख रहा है, और ये भी आपका प्रोडक्ट वन का दिख रहा है, अगर मैंने प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू सेलेक्ट कर लिया तो फिर वही दिख रहा है। और हेरिकल चार्ट में आप यहाँ पे देखिए, चार्ट यहाँ से सब चार्ट आ सकता है, इस पे क्लिक करेंगे ना, हाँ जी, ठीक ठीक। उसके बाद यहाँ पे हिस्टोग्राम चार्ट दिख रहा है, ठीक, ये तो मैं पता है कि ट्रेंड भी देता है साथ में कि कैसे उठ रहा है चार्ट, और लोअर से हायर सीरीज में एक कर देता है, शॉर्ट कर सबसे हायर सबसे हिस्टोग्राम है, ठीक ठीक ठीक। इसके बाद स्केटर चार्ट है, डॉट लाइन में या फिर इस तरह के सीक्वेंस में या इस तरह में आप ले सकते हैं लाइन चार्ट की जगह पे, ये आपका बबल चार्ट होता है, बबल्स के रूप में दिखाता है, इसमें यूज आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। ये आपका वाटरफॉल चार्ट होता है, जैसे सीरीज बढ़ती है जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते चला जाता है। फाइनेंशियल में सबसे ज्यादा चार्ट कौन से इस्तेमाल होते हैं? फाइनेंशियल वर्ल्डिंग में एक तो आपका ए चार्ट इस्तेमाल होता है, जो आपको दिखा रहा वाटरफॉल चार्ट ग्रोथ दिखाने के लिए, दूसरा इसमें हिस्टोग्राम चार्ट भी यूज किया जाता है, जो आपको मैंने हिस्टोग्राम चार्ट बताया यूज किया जाता है, पाई चार्ट यूज किया जाता है, और कॉलम चार्ट, और फ्लो देखने के लिए लाइन चार्ट यूज होता है। फनल चार्ट है, ये सबसे हाईएस्ट फिर लोअर फिर मिडिल, इस तरह से एक फनल में दिखाएगा। स्टॉक चार्ट होता है, ये आपको आगे बताएंगे, और ये बाकी चार्ट से इतना खास यूज नहीं होता है। एक आपका एक कॉम्बो चार्ट होता है कि आप दो तरह के चार्ट बना सकते हैं अपने हिसाब से, जो कि मैंने पहले बताया था ना, सीरीज को चेंज कर देते थे कल की क्लास में, हाँ जी, हाँ जी। तो आप यहां से भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चार्ट वाला सीरीज खत्म होता है। चार्ट मैंने जैसे आपको इंट्रोड्यूस ये किया है, इससे आगे जब हम आपको जो फॉर्मूले वगैरह करा देंगे तब हम कराएंगे आपको एडवांस चार्ट, मतलब कि डायनेमिक चार्ट, जिसमें हम आपको बहुत अच्छे अच्छे चीजें बताएंगे। जैसे कल मैंने आपको बताया था, याद होगा एक वो आपके क्वेश्चन पाई चार्ट था, हाँ जी, तो उस तरह के ट्रिकी चार्ट वगैरह हम आपको सिखाएंगे जब हम फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, ओके, ठीक है ठीक है। चार्ट में अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद इंसर्ट मेनू बार और पेज लेआउट भी जो छोटे मोटे है, ये सब कोई बड़ी चीज नहीं, छोटी मोटी चीज है, कल मैं खत्म कर दूंगा, फिर हम मंडे से आपके साथ स्टार्ट करेंगे फॉर्मल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई डाउट है, क्वेश्चन है? नहीं 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 नहीं, नहीं।
ठीक है, तो चार्ट्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कोई डाउट है, कोई डाउट है क्वेश्चन की मुझे कॉल कर लीजिएगा, बाकी चलो मुझे कल की क्लास में डिस्कस करें। चलो ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।